योजनाओं के साथ साथ यहाँ पे एक चुनावी सभा को भी संबोधित कर रहे हैं, पब्लिक रैली को। आपको लगता है कि अब शुरुआत हो चुकी है चुनाव की, विधानसभा का भी चुनाव? प्रधानमंत्री जी पिछले सितंबर 22 को उड़ीसा आए थे, पिछले दिसंबर 24 को उड़ीसा आए थे, कल भी यहाँ आएंगे, फिर 15 तारीख को भी उड़ीसा आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीति में, रणनीति में उड़ीसा एक प्रमुख स्थान है। इस बार उड़ीसा में ज़्यादातर लोकसभा सीट और यहाँ की विधानसभा की बहुमत 120 मिशन हम लोगों के, उसको हासिल करना हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी की ये जनसभा निश्चित रूप में लाभदायक होगा। काफ़ी परियोजनाओं की शुरुआत होगी, शिलान्यास होगा, और आपको लगता है जो ट्राइबल बेल्ट है उसके लिए एक विकास की जो रफ्तार है वो तेज होगी, क्योंकि 100 साल के बाद एक पैसेंजर ट्रेन की भी शुरुआत होगी? निश्चित रूप में ये दूसरी पैसेंजर ट्रेन होगा। इस जिले को राजा के समय में रेल पटरी आई थी, उसको नैरो गॉज से ब्रॉड गॉज अटल जी के समय में ही हुई थी। फिर आज मोदी जी की सरकार मयूरभंज जिले को, उत्तर उड़ीसा को रेल की विकास में, रास्ते की विकास में, पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलवाने में, एलपीजी पाइपलाइन लगवाने में, या यहाँ के पर्यटन को महत्व देने में, सारे मामलों में 4,500 करोड़ रुपया की कार्यक्रम की कल शिलान्यास या लोकार्पण होने वाला है। मयूरभंज हम लोगों की उड़ीसा की संस्कृति के एक प्रमुख स्थान है। ज्वेल बाबू की विभाग यहाँ उड़ीसा में 90 से ज़्यादा एकलव्य विद्यालय का भी सैंक्शन किया है। आदिवासी हमारी एजेंडा में प्रमुख स्थान पर हैं। इस विकास के उत्सव में कल प्रधानमंत्री मयूरभंज जिला पहुंचेंगे। उत्तर उड़ीसा में एक बहुत भारी माहौल है प्रधानमंत्री जी की स्वागत करने के लिए।